नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टडी विद हैप्पीनेस के हमारे इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। दोस्तों, आज की इन्फॉर्मेशन ये है कि SBI के अंदर प्रोविजनरी अफसर की वैकेंसी निकल चुकी है। इस नौकरी के बारे में मैं आपको बहुत सारी चीज़ें बताने वाला हूँ और एक ऐसी खास बात भी बताऊँगा जो कि शायद आपको पहले से नहीं पता होगी, तो आप हमारे वीडियो के साथ बने रहें। बहुत ही अच्छी तरीके से आपको जानकारी देने वाला हूँ और ये भी बताऊँगा कि किन लोगों को फॉर्म ये डालना चाहिए और किन लोगों को नहीं डालना चाहिए। ठीक है, तो शुरू करते हैं। और दोस्तों, एक चीज़ मैं कहूँगा, जो भी हमारे मित्र इस समय नए हैं, चैनल पर पहली बार आए हैं, तो उनसे अनुरोध है कि आप अगर सब्सक्राइब कर लेंगे तो जो है आपको जो फ्यूचर की वीडियो हैं, जो भी गवर्नमेंट जॉब निकलेगी उसके बारे में भी आपको हमारे चैनल के माध्यम से जानकारी मिलेगी। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले ये कब से स्टार्ट हो गया दोस्तों, आज 2 तारीख है, 2 तारीख से फॉर्म पढ़ना स्टार्ट हो गया और 22 तारीख जो है इसकी लास्ट डेट है। देखा जाए 20 दिन का ही समय मिला है इसके अंदर। और इसके अलावा हाँ, एक चीज़ मैं बैंक के बारे में मैं तारीफ़ करना चाहूँगा कि अगर आप किसी भी सरकारी विभाग में देखेंगे तो सबसे जल्दी जो ज्वाइनिंग मिलती है दोस्तों बैंक के अंदर काफ़ी जल्दी मिल जाती है, चाहे वो क्लर्क की हो या PO की हो। आप 6 महीने का एस्टीमेट लगा के चलिए, आपको जो है हो सकता है कि आपको जो है नौकरी की ज्वाइनिंग तक हो जाए। पहले ऐसा भी हुआ है, तो इसलिए अगर आपको जल्दी नौकरी चाहिए तब भी आप ये भर सकते हैं। और मेन चीज़ ये है दोस्तों कि आप बैंक की तैयारी कर रहे हों और ख़ासकर PO के लिए, क्योंकि दोस्तों आपको पता है कि इसके अंदर जो रीजनिंग का पैटर्न है, मैथ का पैटर्न है, वो बिल्कुल ही अलग होता है अगर आप SSC या फिर UP के किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं यहाँ पर। जो देखिए, आप रिजल्ट भी देख रहे होंगे, 2 अक्टूबर तक इसका फाइनल रिजल्ट आ जाएगा और और जो प्री एग्ज़ाम ट्रेनिंग होती है उसमें भी जो है आपको मई में हो जाएगी। वैकेंसी जो है दोस्तों, वैकेंसी है इसके अंदर टोटल 2000। EWS के लिए भी इसके अंदर आरक्षण दे रखा है, जो इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन होता है तो उनके लिए भी इसमें आरक्षण है। सैलरी के बारे में, जैसे कि आपने टैगलाइन में देखा ही होगा कि सैलरी जो है इसकी 1 लाख से भी ज़्यादा है, तो मैं आपको दिखाऊंगा है एडवर्टाइजमेंट के अंदर ही दे रखा है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इसका क्या है दोस्तों, ग्रेजुएशन होनी चाहिए आपकी। ठीक है, अगर आपके पास ग्रेजुएशन है तो आप इसको फिल कर सकते हैं, और चाहे वो किसी में भी हो, ठीक है, चाहे BSc है, BCom है या फिर BA है, तब भी आप इसको भर सकते हैं। मगर ऐसा नहीं है, क्योंकि देखिए इसकी फ़ीस ज़्यादा होती है, फ़ीस इसकी कम नहीं होती है कि 5,500 रुपये है आप जो है भर के पेपर दिया है। इसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि किन लोगों को भरना चाहिए किन को नहीं। एज जो है दोस्तों वो 21 से लेकर 30 के बीच में है, और जो रिजर्वेशन है वो आपको मिलेंगे, जैसे कि मान लीजिए आप SC ST के हैं तो 5 साल, OBC के लिए 3 साल, और बाकी आप जो भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की रूलिंग है उसी के अकॉर्डिंग जो है रिजर्वेशन इसके अंदर दिया गया है। ठीक है, और बता देते हैं इसके बारे में। हाँ, यहाँ पर दोस्तों जो होने वाला है, कैटेगरी वाइज जो है EWS के यहाँ पर ये दे रखा है। और सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है इसका, सिलेक्शन प्रोसीजर ये है कि पहले आपका प्री होगा। प्री के अंदर क्या आएगा, इंग्लिश लैंग्वेज आएगा, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड आएगा, रीजनिंग आएगी। तो दोस्तों अगर देखा जाए ना, ये SSC से बिल्कुल ही डिफरेंट है। अगर आप सिर्फ और सिर्फ SSC की तैयारी कर रहे थे या UP के किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे थे तो शायद ये एग्ज़ाम निकालना बहुत मुश्किल होगा, इतना आसान नहीं होगा ये वाला एग्ज़ाम। मगर हाँ, ये है कि अगर आप मेहनत करके लग जाते हैं तो मुश्किल भी कोई चीज़ नहीं है। ठीक है, तो इंग्लिश लैंग्वेज पे आपकी पकड़ बहुत अच्छी होनी चाहिए इस एग्ज़ाम को निकालने के लिए, क्योंकि यहाँ पर कंप्रहेंसन है एक तरीके का, और जो पैरा जंबलिंग होती है तो वो सब चीज़ें हैं। यहाँ पर ऐसा नहीं है कि आपसे डायरेक्ट, इनडायरेक्ट या एक्टिव पैसिव पूछे जाएंगे जैसे कि SSC के अंदर पूछे जाते हैं, और वहाँ पर थोड़ा सा इंग्लिश वो भी निकाल सकता है SSC के एग्ज़ाम में जिसका मान लो इंग्लिश का बैकग्राउंड नहीं रहा है, मगर यहाँ पर थोड़ी ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत होती है। ठीक है, फिर मेन्स एग्ज़ाम होगा दोस्तों इसका, वो भी ऑब्जेक्टिव होगा, उसके बाद डिस्क्रिप्टिव एग्ज़ाम होगा। ठीक है, डिस्क्रिप्टिव आप देख रहे हैं और मैं आपको बता देता हूँ फिर क्या है। हाँ, फिर इसके बाद दोस्तों इसके अंदर ग्रुप एक्सरसाइज या इंटरव्यू भी है। ग्रुप एक्सरसाइज जो है दोस्तों वो 20 नंबर की है, इंटरव्यू जो है 30 नंबर का है। कई लोग कहेंगे इंटरव्यू तो ख़त्म कर दिया गया है, बिल्कुल सही है, इंटरव्यू ख़त्म कर दिया गया है, मगर कहाँ से, ग्रुप B, ग्रुप C, ग्रुप D पोस्टों से ख़त्म कर दिया गया है। ये ऑफिसर रैंक की है दोस्तों, ये एक तरीके से मानी जाती है ग्रुप A अफसर। जो बैंक के अंदर दोस्तों जो एंट्री होती है, आपको पता होगा कि 2 ही लेवल हैं, एक तो आप क्लर्क जाएंगे, एक ऑफिसर जाएंगे। ठीक है, और पियोन्स वगैरह की होती है, और ऐसा नहीं है कि बीच में और कोई भी एंट्री लेवल खुला हुआ हो। ठीक है, तो एक तरीके से ये मान लीजिए जैसे कि आप सेंट्रल की सर्विस में अगर डायरेक्ट ग्रुप A की सर्विस में जाना हो तो आप UPSC का फॉर्म भरते हैं, उसी तरीके से अगर बैंक में आपको अफसर रैंक पे जाना है क्लास 1 तो यही फॉर्म है PO का। और दोस्तों ये भी है कि अगर आप जो है PO भर्ती हो जाते हैं और आप सारे डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम क्लियर करते हुए जाते हैं तो हो सकता है आने वाले समय में आप RBI के अंदर भी जो है आपका मतलब ज्वाइनिंग हो पाए बाद में, क्योंकि जो बड़े स्केल हायर स्केल के ऑफिसर होते हैं उन्हें RBI में भी जाने का मौका मिलता है और अच्छी पोस्टों तक भी वहाँ पर पहुँच सकते हैं। ठीक है, तो ये सब है, इंटरव्यू वगैरह होगा, ग्रुप एक्सरसाइज होगी, फाइनल सिलेक्शन होगा।
ठीक है, ये सब है। सैलरी के बारे में बात कर लेते हैं दोस्तों। यहाँ पर आप देखेंगे इसमें काफ़ी चीज़ें डिपेंड करती हैं कि आपकी कहाँ पर पोस्टिंग है। तो यहाँ पर जो दे रखा है दोस्तों ईयरली, जो मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर, देखिए यहाँ पर दे रखा है कंपनसेशन पर एनम ऑन सीटीसी बेसिस विल बी मिनिमम 8.20 लाख। ठीक है, तो इतना तो मिनिमम होगा और मैक्सिमम जो होगा वो 13.08 लाख। यानी कि अगर 1 लाख रुपये महीने की हो तो साल का बनेगा कितना, 12 लाख। और यहाँ पर आप देख रहे हैं 13 लाख, तो यानी कि देखा जाए तो 1 लाख से ऊपर ही तनख्वाह बनेगी इसकी। ठीक है, और आगे बात करते हैं ये, हाँ बॉन्ड तो है इसके अंदर कि अगर मान लीजिए आपने ज्वाइन कर लिया और फिर बाद में अगर छोड़ना चाहते हैं तो आपको 2 लाख का जो है इसके अंदर आपको भरना पड़ेगा, तभी जो है आप ये छोड़ सकते हैं। बैंक के अंदर ये होता है दोस्तों कि बॉन्ड होता है। ठीक है, क्लेरिकल लेवल पे इतना नहीं है, क्लेरिकल लेवल पे तो आप जो है नोटिस देकर भी आउट हो सकते हैं, मगर क्योंकि पीओ को पहले पढ़ाया भी जाता है, काफ़ी ट्रेनिंग में पैसा खर्च किया जाता है, इसलिए जब भी आप छोड़ेंगे तो आपको वो पैसा जो है वो आपको देना ही पड़ेगा। अभी जो है मैं आपको और बता देता हूँ, जो एससी एसटी और दिव्यांग भाई हैं उनके लिए 125 रुपये फीस है, और जो जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी जो है उनके लिए 750 रुपये फीस है। और दोस्तों मुझे भी पता है कि बेरोजगार के लिए 750 रुपये कम नहीं होते हैं। तो आप सभी लोगों से अनुरोध है कि अगर आपकी तैयारी अच्छी है, बैंक के लिए आप कोचिंग कर रहे थे या फिर आपने बैंक के एग्ज़ाम पहले भी दिए हैं और आपको अनुभव है देने का, तभी भरें, अदरवाइज़ इस फॉर्म को ना भरें, क्योंकि इसका तैयारी का जो लेवल है दोस्तों वो अलग ही होता है। ठीक है, एसएससी जैसा नहीं है, और इसमें जो है कुछ ट्रेनिंग वगैरह भी दी जाती हैं जो एग्ज़ाम से पहले होती हैं। और हाँ, इसके बारे में अटैम्प्ट भी हैं, जैसे कि आपको पता होगा सिविल सर्विसेज के अंदर भी जो है अटैम्प्ट होते हैं, कितने चांस हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। जनरल और ईडब्ल्यूएस, ईडब्ल्यूएस के लिए दोस्तों ये टोटल 4 हैं देखा जाए तो जनरल के हैं, और अगर आप जनरल के दिव्यांग हैं तो 5 होंगे, ओबीसी के लिए 7 होंगे, और ओबीसी में दिव्यांग हैं तो भी 7 हैं, एससी एसटी और इनका देखेंगे तो रिस्ट्रिक्शन नहीं है, तो मतलब एज पे है, यानी कि आप यूपीएससी में भी देखते होंगे कि कोई बार नहीं है इस चीज़ पर कि कितने अटैम्प्ट देने हैं, मगर हाँ एज पे है कि अगर आपने एज पूरी कर ली है तो फिर आप नहीं भर सकते। तो तब भी जो है अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप इसके बारे में भर सकते हैं। ठीक है, और आप कहेंगे वो खास बात कहाँ गई जिसके चक्कर में आपने रोक रखा है, तो दोस्तों खास बात ये है, अब सुनिए, कई बार हम गवर्नमेंट सर्विस के अंदर चले तो जाते हैं मगर फिर मन ऐसा करता है कि नहीं यार, अगर हम प्राइवेट में जॉब करते तो ज़्यादा बेहतर कर सकते थे। अगर मैं आपसे कह रहा हूँ आप एसएससी से एलडीसी भर्ती हो जाते हैं या फिर क्लर्क भर्ती हो जाते हैं, तो 4-5 साल बाद आप इस लायक नहीं रहते हैं कि आप कोई दूसरी नौकरी निकाल पाएँ। एक्सेप्शन आर ऑलवेज देयर, ठीक है, वो अपवाद हर जगह होते हैं, मगर जो जनरली देखा गया है कि आप सरकारी नौकरी में जाने के बाद फिर ज़्यादा तैयारी वगैरह नहीं कर पाते हैं। ठीक है, और प्राइवेट में तो भूल ही जाइए, क्योंकि प्राइवेट में तो एक तरीके से बहुत ही एक्सपीरियंस और काम करने वाला चाहिए होता है। तो अगर आप बैंक ज्वाइन कर लेते हैं, बैंक में ज्वाइन कर लिया और 4-5 साल हो गए, तो दोस्तों आपको एक्सपीरियंस हो जाता है। उसके बाद जो प्राइवेट बैंक हैं वो आपको जितनी आपको सैलरी मिल रही होगी एसबीआई के अंदर, उससे लगभग 2 गुना या 3 गुना देने को तैयार हो जाएंगी आपके एक्सपीरियंस के बेस पे। बाकी किसी नौकरी में आपको नहीं मिलेगा, जैसे रेलवे का एम्प्लॉय है कोई, तो क्योंकि रेलवे प्राइवेट नहीं चल रही है, भारत सरकार की चल रही है, मगर बैंकों के साथ क्या होता है दोस्तों, बैंक दोनों तरीके के होते हैं, प्राइवेट भी होते हैं और सरकारी भी होते हैं, और प्राइवेट बैंक जो है वो अपने एम्प्लॉयज़ को जो हायर स्केल के होते हैं काफ़ी तनख्वाह देते हैं, काफ़ी बड़े पैकेज पे रखते हैं, और वो इसी फिराक में रहते हैं ज़्यादातर प्राइवेट बैंक की, अगर हमें कोई भी नेशनलाइज बैंक का कोई ऐसा एम्प्लॉय मिल पाए जिसे एक्सपीरियंस ज़्यादा है तो ऐसे को कैच करना चाहते हैं। तो ऐसे में जो भी लोग हैं, क्योंकि मैंने ऐसे कई लोगों को जानता हूं जो कि पहले एसबीआई में थे, बाकी उसके बाद एक्सिस बैंक या फिर एचडीएफसी बैंक, इनमें भी जाकर उन लोगों ने ज्वाइनिंग की क्योंकि पैकेज अच्छा मिला। तो ये जो एक्सपीरियंस होगा ना दोस्तों आपको 4 साल 5 साल 6 साल का, उसके बाद अगर आपका मन बनता है कि आपको स्विच करना चाहिए तब आप कर सकते हैं, वो भी बहुत बड़े पैकेज के साथ। मान लीजिए अगर आपको 1 लाख रुपये यहाँ मिल रहे होंगे तो वहाँ पर जो है आपको 2.5 लाख ही मिल सकते हैं। ठीक है, तो क्योंकि देखिए अगर आप देखें तो बीटेक वगैरह के जो स्टूडेंट होते हैं उन्हें तो पैकेज प्राइवेट में अच्छे मिल जाते हैं, मगर एक साधारण पर्सन की बात करें जिसने सिंपल ग्रेजुएट किया है, तो मुझे नहीं लगता यार कोई लाखों की कोई पैकेज देगा, वही मंथली की बात कर रहा हूँ मैं। मगर आप अगर बैंक पीओ का आपके पास एक्सपीरियंस है और बढ़िया ज़बरदस्त आपको नॉलेज है तो आपको प्राइवेट के भी ऑफ़र मिल सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ थी जो आपको बतानी थी। अगर आप बैंक में अपना करियर सोच रहे हैं तो ये बहुत अच्छा ऑप्शन हो सकता है, क्योंकि क्लास 1 डायरेक्ट आप भर्ती होंगे
और बैंक के और भी अलाउंसेज होते हैं, जैसे फर्नीचर वगैरह हो गया या फिर बहुत सारी चीज़ें आपको बैंक में जाने के बाद ही पता चलेगी। और मैं कोशिश करूँगा कि किसी जो बैंक PO हैं इस समय उनका आपको इंटरव्यू फ़ोन पे, जैसे कि आपको मैंने और भी जॉब प्रोफाइल बताए हैं तो इसके बारे में भी मैं थोड़ा सा आप लोगों को बता पाऊँ। हाँ, ये चीज़ है कि बैंक की जॉब है वो थोड़ी हैक्टिक जॉब होती है, बिज़ी होती है, मगर उसके साथ में ये भी तो देखिए आप कि आपको कितना वेलफेयर करने का ऑप्शन मिलता है, वहाँ पर कैसे कैसे लोग आते हैं, कितनी परेशानियों में होते हैं, और फिर जब आप उनकी हेल्प करते हैं तो वाकई में आपको हैंड टू हैंड आशीर्वाद भी देके जाते हैं, है ना। ये बात भी सही है कि हाँ, अगर आप काम अच्छा नहीं करते हैं तो गाली भी मिलती है, फीडबैक भी तुरंत मिलता है, आप खुद बैंक में गए होंगे कभी। तो ये चीज़ है कि अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो भरिए, और ये जो ऑप्शन मैंने बताया प्राइवेट में जाने वाला, ये शायद हो सकता है आप लोगों को ना पता चला हो। तो ये वीडियो में अगर आपको जानकारी अच्छी मिली हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर मान लीजिए आपके पास समय नहीं है कमेंट करने का तो सिर्फ लाइक दबा देंगे, तब भी मैं खुश हो जाऊंगा। ठीक है, तो मिलते हैं दोस्तों हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।